आज हम आपको लिए चलते हैं उस दौर में जब न तो टीवी हुआ करती थी और न ही मोबाइल फोन होते थे। बच्चों के मनोरंजन के लिए खेलकूद और दादी नानी की मजेदार कहानियां ही मुख्य साधन होती थी। लेकिन बदलते दौर के साथ दादी नानी की इन कहानियों की जगह अब मोबाइल और टीवी ने ले ली है। ऐसे में दादी नानी की कहानियों से अनजान आज की पीढ़ी के लिए एक बार फिर हम लेकर आए हैं वही कहानियाँ जो कभी बचपन में दादी नानी से सुना करते थे। यह कहानी है एक अत्यंत गरीब बूढ़ी माँ, उसके चरवाहे बेटे और धर्मराज की। कहानी सुना रही है मध्य प्रदेश के निमाड़ में खरगोन के पास गांव नागजीरी में रहने वाली करीब 65 वर्षीय दादी लक्ष्मीबाई। उनको छेते एक छोरो रहे, तो गाय ने चराया कर, तो वह डोकरी माई छेते गरीब रहे, तो माई ने छेते छोरा कलू बेटा कहीं भी काम धंधो कर, तो दुई चार डोखरा दादा ने लाया कहीं कि दादा माँ छोरो बड़ो मोटो हुई गयो, तो कहीं भी माँ छोरा काम लगाओ कहीं की, तो कहीं कि माई कहीं कि थारो छोरो कहीं कि हमारी गाय माता ने चराव, तो हम छेते छोरा का चार छो गाय ने हम रखवाले धर दे वहाँ कहीं की आप वो छोरो छेते हाँ, तो वो रोज छेते गाय माता ने चराया कर। फिर जो भगवान की गाय रहती धर्मराज की गाय रहती वो नहीं पार रहे आ न ये छेती नहीं पार रहे, तो धर्मराज भगवान गाय छोड़ तो वही तरनी पार उतरी ना नहीं ये नहीं पार आव, तो फिर माए ने कहो भाई आप थोड़ा महीनों पहरे ही गयो आप छेते तू रखवाड़े ला कही की, तो कही कि माई कही कि ये गाय मारी नार में आव तो वो छेते धरना नहीं आता है वो छेते आई जा कलेंग सी आव नहीं वहाँ दिन भरी चरी लिया ना वहाँ जाँच कही की, कही कि आसो कर जे बेटा कही कि वो गाय माता जाए नहीं घर संजा घड़ी तो की संगात तू जाजिए कही की, आप वो गाय माता संजा हुई कि घर गई तो वही तरनी पार हुई, तो वो छेते छोरा ने कहो कि गाय माता का कहो कि जरा रुकी जा माते से हूँ थी संगात चलूँगा, तो वो छमटी पकड़ ली वही तरनी पार हुई ने वो धर्मराज का बदनाम जाने वो भी वो गाय माता घर में जाती रही, आप वो छोरो छेते बदनाम वो भी रहो, आप उनका नौकर चौकर चलो तो कही कि धर्मराज का कही कही कि महाराज कही कि आज कोई अपना यहाँ कलयुग को कोई बदनाम आयल छे, तो वो कही कि दरवाजा में उगेल छे कही कि कोई तो कही कि यानी वही तरनी पार हुई ने कही कि आयो है पर कही कि ये कहाँ से आई गोच कही कि, तो कही कि अच्छो कही कि वो को बुलाओ कही कि घर में, आप वो छोरा का घर में बुलायो गयो घर में गयो, धर्मराज ने पूछो कि क्यों भाई कही कि तू क्यों आसो आयो यहाँ कलेंग से आई गो, तू कही कि कोई तो आसो मनुष्य ये शरीर लेने कोई नहीं आऊ तो हाई आसो आवाज, तो कही कि हम हरी नार में कही कि तुम्हारी गाय चरना जाए तो हम कही कि रखवाड़े लेने आयो दादा, ते कही कि हाँ बेटा कही कि तू का देव नहीं कही कि रखवाड़े ले जा कही कि थारो पंचो बिछा, वो ने पंचो बिछायो तो धर्मराज भगवान ने तो खूब हीरा माणक मोती दिया, पर वो छोरो गौड़े को रहे तो वो कहीं जाना हीरा माणक मोती न कर, पोटले बांधी लायो न बोर पास आयो ना सब पोटले झटकी दी, झटकी दी तो वो मन तीन चार छे तो वो मोती चली गया, तो कही माए ने पूछो का बेटा रखवाड़े लायो, तो कही कि माए मक तो कही कि सब मोती दिया था तो हूँ तू बोर पास झटकी आयो, तो कही कि ये दुई तीन मोती लगे आते कही कि बेटा कही कि ये ना आयो ते अपना घर में प्रकाश प्रकाश हुई गोन कितो धन छे कही कि चल एक अपन कही कि वाणिया घर ले चला सामान ले आवा, तो गया तो वो तीन चार मोती को माए बेटा ने कह दियो कि भाई तुम्हारा से उठा ये तो उठे ले जाओ दिन भरी में उठे लाया तू तो धन वाला हुईगा, फिर कही कि एक महीनो आरू हुई ते आरू वो छोरो गयो तू भगवान ने आरू एक दिया तो ओके लाओ वो तू छोरो धन धन हुई गो माय बेटा छे ना खायो पियो ना मजा करियो उनका धर्मराज भगवान टुटमान हुई सब कोई। लोकल एटिन के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।